एक पत्र आया है का महत्व बताना चाहती हूँ। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। जिला जालौन उत्तर प्रदेश के ग्राम सिंह टोली से मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित। एक लोटा जल का महत्व, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दे। आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा लायो, लेके आओ, जब तक धीरे धीरे उसको लाइए। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, बहू की शादी होकर बहू आई, उसका जब गर्भ नहीं ठहर रहा था तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो उसके गर्भ में गांठ थी, बहुत बड़ी गांठ। डॉक्टर ने कहा जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक बच्चा इसको नहीं ठहरेगा। कई साल निकल गए गुरुदेव, अब गांठ का ऑपरेशन कैसे कराएं? नई नवेली बहू, कुछ साल निकलते चले गए, करें तो करें क्या। तब मेरी ननंद ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करो, आस्था चैनल पर आती है। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया, मैंने बहू से करवाया। बहू मुझसे बोली, माँ मेरे पेट में गांठ है बच्चादानी में, डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने पर गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा, बच्चा गर्भ में आ गया। पर बाबा, बहू का पांचवा महीना आया और बहू पेट के बल सीढ़ी पे से जमीन पर गिर गई। पेट के बल जब जमीन पर गिरी, उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया यह बच्चा बेकार हो गया है, इसको निकालना जरूरी है। पर गुरुदेव, बाबा पर भरोसा था, शिव महापुराण पर भरोसा था, मैंने मंदिर से जाकर एक लोटा पानी शिव को चढ़ा कर दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर से हमने कहा ये बच्चा इसके गर्भ में रहने दो, बाबा देगा जैसा दे देगा। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, ये बच्चा गिरने के कारण पूरा बेकार हो गया है। फिर भी बाबा भोलेनाथ का भरोसा रखा और बाबा का चढ़ा हुआ जल बहू को देते रहे। जितनी भी सोनोग्राफी, जितनी रिपोर्ट थी, बच्चा सब बेकार था। पर 10 अगस्त को बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा हुआ और बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ है। हम बाबा के पंडाल में इसको प्रणाम कराने के लिए लाए। खाली न जाता कोई दर से।